इस फिल्म की शुरुआत होती है एक बूढ़े शख्स से। इसका नाम एंड्रयू मार्श है। एंड्रयू फिलहाल एडल्ट फिल्म देख रहा है। उसे इस तरह की फिल्मों का बड़ा शौक है। इसके बाद खबर आती है कि एंड्रयू की डेथ हो गई। पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची है। इन्हें अपनी फाइंडिंग में ये पता चला है कि एंड्रयू इन एडल्ट टाइप की वीडियोज़ का आदि हो चुका था। उसके अंदर वासनाएँ इतनी उफान पर थी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। जब वासनाएं उसके अंदर आती थी तब उसके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता था और एक दिन ऐसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस की टीम भी इस एडल्ट फिल्म को देखती है। यहाँ ये पता चला है कि इस वीडियो में एंड्रयू मार्श ही वो शख्स है जो कि रेबेका नाम की किसी लड़की के साथ संभोग कर रहा है। रेबेका दरअसल एंड्रयू मार्श की गर्लफ्रेंड थी। दोनों आपस में संभोग किया करते थे और इसके दौरान ये इस संभोग की वीडियो बनाया करते थे। एंड्रयू बाद में इन वीडियोस को देखकर खुद को और भी उत्तेजित किया करता था और अत्यधिक उत्तेजना की वजह से उसकी डेथ हो गई। इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है रेबेका। उस पर एंड्रयू के मर्डर का आरोप लगा है। उसने लॉयर चुना है फ्रैंक को। फ्रैंक की वाइफ भी है शेरन। शेरन अपने हस्बैंड फ्रैंक पर बड़ा भरोसा करती है। उसे यकीन है कि फ्रैंक कभी भी उसे चीट नहीं करेगा। फ्रैंक रेबेका से एक एक बात की जानकारी इकट्ठा कर रहा है ताकि वह रेबेका को इस केस में बचा सके। इसके दौरान दोनों जब रेबेका के घर पर हैं तब रेबेका फ्रैंक को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसके बाद दोनों आपस में धुआंधार संभोग करते हैं। इस संभोग के दौरान फ्रैंक नोटिस करता है कि रेबेका उसके हाथों को पीछे की तरफ उसी के बेल्ट से बांध रही है। इसके बाद कोर्ट की कार्रवाई चलनी शुरू हुई है। फ्रैंक रेबेका को हर संभव बचाने की कोशिश कर रहा है और रेबेका से प्यार करने लगा है। इस बारे में उसने अपनी वाइफ शेरन को नहीं बताया। क्या वो शेरन को छोड़कर रेबेका से शादी कर लेगा? अभी उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। अगली बार जब दोनों कोर्ट से रेबेका के घर जाते हैं तब फ्रैंक रेबेका के पास जाना चाहता है पर रेबेका उसे घर जाने को कहती है। फ्रैंक अपनी कार में बैठता है तभी कार में बैठा हुआ रेबेका को देखता है जो कि घर की टेरेस पर है। उसकी खूबसूरती देखकर फ्रैंक कार से उतर गया। वो वापस रेबेका के घर की तरफ चल पड़ा है। रेबेका उसे अपने पास पुल करती है। इसके बाद दोनों संभोग करने लगे। रेबेका और भी एग्रेसिव हो गई है। वो फ्रैंक के चेस्ट पर हॉट कैंडल वैक्स डालती है। उसकी बॉडी पर रेबेका अल्कोहल भी डालती है और फिर इस अल्कोहल को पीती है। फ्रैंक को यह सब बड़ा अजीब लग रहा है पर वो रेबेका को ये सब करने से रोक नहीं पा रहा। रेबेका फ्रैंक के प्राइवेट पार्ट्स पर भी हॉट वैक्स कराती है, अल्कोहल डालती है और फिर इसे चट कर जाती है। संभोग के दौरान रेबेका फ्रैंक पर पूरी तरह हावी है। वो हर तरह से फ्रैंक को अपने कंट्रोल में रखती है और कुछ यही हाल कोर्ट रूम में भी है। यहाँ भी फ्रैंक रेबेका के कंट्रोल में काम करता है। ऑपोजिशन का वकील है रॉबर्ट। रॉबर्ट कोर्ट में ये बताता है कि एंड्रयू की दौलत $8 मिलियन की बेनिफिशरी और कोई नहीं बल्कि रेबेका है। ऐसे में रॉबर्ट का ये कहना है कि रॉबर्ट की दौलत को पाने के लिए रेबेका ने इस मर्डर को अंजाम दिया है। एंड्रयू ने भी मरने से काफ़ी पहले अपनी विल तैयार की थी जिसके मुताबिक रेबेका को $8 मिलियन मिलने थे। फ्रैंक इस बारे में रेबेका से पूछताछ करता है। रेबेका कहती है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। $8 मिलियन के बारे में भी उसे अब रॉबर्ट के द्वारा पता चला है। वेल, रेबेका कितना सच बोल रही है कितना झूठ ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फ्रैंक रेबेका के हुस्न का इस कदर दीवाना हो गया है कि उसने रेबेका की बात का यकीन कर लिया है। कहानी में एक नया मोड़ आया है। एंड्रयू की सेक्रेटरी है जोआना। जोआना से पूछताछ की जाती है। जोआना ये स्वीकार करती है कि वो एंड्रयू की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम करती थी और उसका एंड्रयू के साथ कई बार जिस्मानी संबंध बन चुका था। इस केस का एक एंगल ये बनता है कि जोआना के साथ एंड्रयू संभोग कर रहा था। इस दौरान उससे इतनी उत्तेजना हुई कि उसके ब्रेन का काम करना बंद हो गया और फिर वो मर गया होगा। यानी रेबेका इस मामले में बिल्कुल निर्दोष है। फ्रैंक रेबेका से पूछता है कि आखिर उसने जोआना के बारे में उससे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि तुम मुझसे बहुत सी बातें छिपाती हो, सवालों के गोलमोल जवाब देती हो। मैं तुम्हें अब इस केस में कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो तो अब रेबेका को एज ए क्लाइंट भी ड्रॉप करना चाहता है। रेबेका को फ्रैंक की धमकियाँ पसंद नहीं आई। उसे पसंद नहीं कि कोई भी मर्द उसे इस तरह से बात करे। वो तो हमेशा मर्दों को अपनी खूबसूरती के दम पर अपने कंट्रोल में रखती है। अब जब फ्रैंक ने ये हिमाकत कर दी है तब इस फ्रैंक का क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? रेबेका ने चाणक्य की नीति अपनाई है। चाणक्य की नीति के अनुसार जब सामने वाले को हराना हो तो उससे उलझो मत,
बस उसके वीक लिंक पर चोट कर दो। फ्रैंक का वीक पॉइंट है उसकी मैरिड लाइफ। रेबेका मिली है शेरन से, वो उसे बता देती है कि काफी महीनों से फ्रैंक शेरन को चीट कर रहा है और रेबेका के साथ संभोग कर रहा है। शेरन ये सब जानकर आग बबूला होती है। वो फ्रैंक को कन्फ्रंट करती है। पहले तो फ्रैंक गोल मोल जवाब देता है, पर शेरन के सवालों के जवाब उसके पास है नहीं। शेरन को वो मनाने की कोशिश करता है, पर शेरन कोई बेवकूफ तो है नहीं, उसने फ्रैंक को छोड़ दिया है। फ्रैंक गुस्से में पहुंचा है रेबेका के पास। रेबेका उसे कहती है कि तुम मुझे यूं छोड़ने की सोच भी नहीं सकते। ऐसा कहते हुए वो खुद को निर्वस्त्र करती है, अपने बॉडी पार्ट्स को फ्रैंक के सामने लहराती है। ऐसा करते हुए वो खुद के साथ हस्त मैथुन करने लगी। फ्रैंक अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश करता रहा, पर वो नाकाम हो गया और रेबेका की खूबसूरती के आगे फिर से फिसल गया। इसके बाद दोनों धुआंधार संभोग करते हैं। इसके दौरान रेबेका और फ्रैंक दोनों एक दूसरे को हैंडकप से बांधते हैं। अगले दिन कोर्ट की कार्रवाई फिर से शुरू हुई है। रेबेका के बारे में हर कोई कह रहा है कि वो एक गोल्ड डिगर है, उसी ने एंड्रयू को पैसों के लिए मारा होगा। रेबेका के बारे में रॉबर्ट ने और भी पता लगाया है। पता ये चला है कि रेबेका के पास्ट में कई मर्दों से जिस्मानी संबंध बने थे, उनमें सभी अमीर ओल्ड मैन होते थे। इनमें से एक शख्स है जेफरी। जेफरी को कोर्ट में बुलाया जाता है। रॉबर्ट उससे सवालात करता है। जेफरी बताता है कि हाँ, उसके और रेबेका के संबंध थे, पर रेबेका बहुत हिंसक थी। जेफरी बताता है कि संभोग के दौरान अजीब अजीब सी वो चीज़ें किया करती थी, उसे बेड में बांध दिया करती थी, कई बार तो उससे कोड़े से मारती थी, उस पर गर्म लोहा चुभती थी। जेफरी को रेबेका के साथ उत्तेजना की वजह से उसे हार्ट अटैक भी कई बार आ गया था। बाद में उसने रेबेका को छोड़ दिया और अब वो काफ़ी हेल्दी महसूस करता है। फ्रैंक ये सब बातें सुन रहा है। उसे तो ये भी लग रहा है कि रेबेका ही एंड्रयू की मौत की जिम्मेदार है। वो बाद में उसे कन्फ्रंट करता है। रेबेका उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। यहाँ के पार्किंग में रेबेका फ्रैंक को ले जाकर उसे संभोग का सुख देती है। इस तरह फ्रैंक अभी भी रेबेका के साथ बना हुआ है। अगली सुनवाई में रेबेका को कटघरे में बुलाया जाता है। रॉबर्ट उससे एक के बाद एक सवालात करता है। रेबेका यहाँ मगरमच्छ के आंसू दिखाते हुए विक्टिम कार्ड खेलती है। वो कहती है कि उसने तो एंड्रयू से सिर्फ प्यार किया था, उसे $8 मिलियन के बारे में अभी पता नहीं था। उसने कभी भी एंड्रयू को उत्तेजित करके हार्ट अटैक देने की कोशिश नहीं की। ज्यूरी के पास भी रेबेका के खिलाफ इनफ एविडेंस है नहीं। इस तरह रेबेका को इस केस में बरी कर दिया गया है। केस खत्म होने के बाद रेबेका फ्रैंक से कहती है, तुमने गिल्टी क्लाइंट को बचा लिया, इसके लिए धन्यवाद, शायद मैं तुम्हें दोबारा मिलूं। फ्रैंक को समझ नहीं आ रहा कि रेबेका की बातों में एकदम से ये बदलाव क्यों आ गया। अब तक तो वो उसके साथ बड़े प्यार से और मोहब्बत से पेश आती थी। रॉबर्ट भी फ्रैंक से कहता है कि तुमने एक अपराधी को बचाया है। शाम को फ्रैंक रेबेका के घर जाता है। यहाँ वो देखता है कि पेले मौजूद है। पेले एंड्रयू का डॉक्टर था। इनकी बातें फ्रैंक ने सुन ली हैं। पेले और रेबेका ने मिलकर एंड्रयू की मौत को प्लान किया था। रेबेका पेले के साथ भी संभोग करती रहती थी। पेले के सामने जब फ्रैंक आया है तब वो बताता है कि रेबेका इतने महीनों से फ्रैंक के साथ संभोग किया करती थी। ये सब जानकर पेले को गुस्सा आ गया और रेबेका पर हिंसक होता है। फ्रैंक पेले को पुल करने की कोशिश करता है। पेले रेबेका को शूट करता है। रेबेका विंडो से गिरती है और उसकी जान यहीं निकल गई। पेले को मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ रॉबर्ट आता है। फ्रैंक कहता है कि ये केस तुम्हें जीतना चाहिए था, मुझे नहीं। रॉबर्ट कहता है कि गौर से देखो तो ये केस मैं ही जीता हूँ। फिल्म के एंड में फ्रैंक शेरन से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा कर पाएगा या नहीं, इसी सस्पेंस पर ये फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड़ पर।